Hey guys, welcome back to the channel. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. There's something that I always wanted to share. It's about the beginners, you know, जो अपना पैड नया खरीदते हैं and they don't know how to maintain it. They do not know when they buy a pad, they do not know how to use it properly. जब नया पैड खरीदते हैं तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक इवन. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी फॉर अ वीडियो जिसपे मैं बताऊं कि वो पैड से पैड पहन के कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं. बिकॉज अनलेस यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर पैड्स इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू नो टू बैट टू रन बिटवीन द विकेट्स एंड ऑल दैट. बट जब पैड जब आप खरीदते हैं तो उस समय नया रहता है. इट डजेंट हैव दैट शेप एंड यू नो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट व्हेन यू टू प्ले व्हेन यू यू नो गेट अ न्यू पैड और उसको खेलने के लिए जाते हैं तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू नो टू गेट एडजस्टेड विथ इट. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने नए पैड्स को अपने लायक बना सकते हैं, हाउ यू कैन गेट यूज टू इट, हाउ यू कैन शेप दैट इनटू योर ओन शेप. तो लेट्स बिगिन विद इट. पैकेट से तुरंत निकाल के अपने पैर पे लगाने के बजाय यू कैन डू वन थिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट ब्रिंग द शेप ऑफ द पैड. तो उसके लिए मैं एक ट्रिक करूंगा जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ. उसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो पैड है उसको मैं इसको पतला बनाऊंगा सो दैट आई कैन गेट अ शेप ऑफ द पैड. इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो पहला बकल है इसको मैं ऐसे खींचूँगा एंड ट्राई एंड पुट इट इन साइड. सो वॉट आई डू इज आई विल पुट दिस लाइक दिस, इसको इस तरह फोल्ड करूँगा एंड आई विल जस्ट पुट इट इन. जस्ट मेक श्योर कि जो पैड है दोनों एंड से एक दूसरे से खींच जाए. ऊपर से जो पैड रहता है उसका जो नी रोल है यहाँ पे पैड जो है थोड़ा बल्की रहता है. तो शुरुआत में बल्की रहता है एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यू नो बैट्समैन टू रन बिटवीन द विकेट्स और प्रॉबेबली यू नो प्ले द शॉट. कभी कभी बैट जो है वो फंस जाता है पैड में. तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज कि आप नी रोल का जो दोनों नी रोल का जो बकल है उसको आप एक दूसरे से खींच के टाई कर दें इस मैनर में. यू जस्ट पुल इट इन एंड मेक इट इन दिस फॉर्म ऐसा. तो द मेन पार्ट इज कि आप पहला वाला जो है जो नी रोल के पास का जो बकल है यू पुल इट यू स्क्वीज इट एंड यू नो पुट इट टुगेदर ताकि उसमें एक शेप मिल जाए. नाउ यू पुल इट इन एंड यू टू गेट द शेप राइट लाइक दिस. वंस दिस इज डन यू कैन डू द अदर पैड एज वेल. You have to follow the same format. You have to just put this buckle like this, tie it like this. Once you are done with this, you have to leave this for around 7 to 8 days. 7 to 8 days तक आपको नए पैड को इसी फॉर्म में रखे रहना है. बीच में आप खोलिए मत इसको. 7 दिन तक बिल्कुल इसी तरह छोड़ सकते हैं. यू कैन ओपन इट, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसको खोलेंगे नहीं, खोल सकते हैं लेकिन इट जस्ट दैट कि आपको जितना देर रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा. ऑल्सो जब एक बार ख़त्म हो गया 7 दिन के बाद नेवर डू दिस अगेन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स यू नो दे विल ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट. डोंट डू इट अगेन, इट इज़ नॉट नेसेसरी. एक बार आपने शेप दे दिया 7 दिन तक आप छोड़ दीजिए इसी फॉर्म में और 7 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो यू द पैड विल बी इन ग्रेट शेप. आपके पैर के एकदम शेप में, पैर के एकदम फिटिंग में आ जाएगा, आपका पैर के एकदम फिटिंग में आ जाएगा और नी रोल जो है एकदम क्लब हो जाएगा एज इफ इट इज स्टक ऑन योर नी. सो यही कर सकते हैं आप. नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर कि ये वाला जो पार्ट है जो नी रोल के जो अबव है, नी रोल के जो ऊपर में जो पैड का ये जो बॉडी है इसको कोई कोई पैड में ज़्यादा ब्रॉड होता है. फॉर दैट वॉट यू कैन डू इज यू कैन यूज अ शू लेस या फिर कोई भी एक पतला सा रोप जो कि मतलब बहुत हार्ड ना हो, तक क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड रहा तो यहाँ मार्क आ जाएगा पैड में. तो जस्ट अ सॉफ्ट सॉफ्ट रोप, फॉर इंस्टेंस एक शू का बकल, क्या बोलते हैं इसको, शू का एक लेस ले सकते हैं आप. शू का लेस से इसको यू कैन टाई दिस इन अ फॉर्म लाइक दिस. आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट इट. So you can share with it with your friends and so let them also know. उनको भी बताइए कि you know pad को आप कैसे you know shape दे सकते हैं. मैंने एक और वीडियो बनाया था pads के साथ कैसे comfortable हो सकते हैं आप. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो I button पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा. तो आई होप आपको ये क्विक सिंगल का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे इंस्टाग्राम पेज के जरूर फॉलो कर लें. इट इज़ @SafalFuture, वो आपको हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा.
So yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep smiling and practice hard, because I believe that you, my dear friend, are a future legendary cricketer. Okay? Oh, freak. Give me your cap. Ready?